हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अभी जो वीडियो लेके आया था वो सन फार्मास्यूटिकल्स फॉर इंडस्ट्री पे लेके आया था। मैंने पहले भी इसमें आपको बताया था सन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। ये अभी देखेंगे तो 14 पॉइंट आप दिखा करके ये ऊपर की और साइड दिखा रहा है, और वॉल्यूम में भी देखेंगे थोड़ा इंक्रीज आपको दिखा दे रहा है। 1 करोड़ 28 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा है आपको। ये दिखा रहा था आपको 28 दिसंबर को दिखा रहा था, जो लास्ट क्लोजिंग थी फ्राइडे को, उस दिन का दिखा रहा था ये। अभी भी आप इसमें ट्रैप मत हो जाइएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये 350 का लेवल आपको दिखाएगा तो दिखाएगा, ये डाउन ट्रेंड बनाएगा तो बनाएगा। अगर कोई भी इसमें फंसे हुए हैं ऊपर की लेवल पे, तो निकलने का बहुत अच्छा टाइम है। इससे आप अपनी पोजीशन को वाइप आउट कीजिए, बाहर निकलिए। मैंने इसका रीजन भी आपको बताया था। पहला तो आप देख लीजिए, शेयर होल्डर 5% के 4.78 पर प्रमोटर ने इसके गिरवी रखा है। दूसरा, जिस कंपनी का ग्रोथ ही डाउटफुल है, इसका ग्रोथ ही निगेटिव दिखा रहा है, -1.1%। अगर इसके प्रॉफिट लॉस भी, क्वार्टरली रिजल्ट भी देखूँ तो देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस 863 का क्या अदर इनकम लॉस बता करके इसने निगेटिव टोटलिटी में प्रॉफिट बताया। जहाँ इसको क्वार्टरली इनकम होता है 1111 करोड़, मैंने 1200 करोड़, 1100 करोड़, वहाँ पे लॉस दिखाया है 109 करोड़ का। तो जो भी हो, मुझे वो 800, ये जो इन्होंने दिखाया है 843 करोड़ का क्या लॉस है वो पता नहीं। वो उनको अदर इनकम में जो दिखाया उन्होंने 863 करोड़ का, वो अपने को नहीं मालूम। लेकिन जो भी है, मैं इस पर अभी भी बताऊंगा, अगर आपको वेल्थ बचाना है तो इस कंपनी से अभी थोड़ा बच के रहिएगा और ऊपर के लेवल पे जरूर निकल जाइएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 7% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बता रहा है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास डेप्ट है 10,000 करोड़ का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 11 टाइम का वो अच्छा है। लेकिन टाइमिंग एक बार आपको ये नीचे की ओर आपको दिखाएगा, उसका रीजन है सेल्स ग्रोथ और जो इसने प्रमोटर ने जो अपने शेयर को गिरवी रखा है, ये दो रीजन हो सकता है। और दूसरा, चार्ट पे जो पैटर्न बना वो निगेटिव पैटर्न ही है, तो मुझे पॉजिटिव पैटर्न इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ये मैं आपको डेली पैटर्न दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश होकर के, देखिए बेरिश कैंडल था बट थोड़ा सा बुलिश हुआ है यहाँ पे, आप इस पर मत जाइए। जब मैं आपको इसी का वीकली पैटर्न दिखाता हूँ तो ये देखिए कौन सा पैटर्न है, ये देखिए तो कंप्लीट एमएसडी लाइन वीकली बेसिस पे इसको क्रॉस करके नीचे की ओर जा रहा है। ये देखिए आप एमएसडी लाइन देखिए, चाहे आरएसआई लाइन देखिए, ये 37 पे दिखा रहा है। और एमएसडी लाइन देखिए आप इसको वीकली बेसिस पे देखिए, ये नीचे की ओर देखिए कैसे क्रॉस कर रहा है। ये आपके वेल्थ को डुबाएगा। अभी टाइमिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक बार वो आपको नीचे 350 पे दिखाएगा, उसके बाद ही इसको ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा किसी भी हालत में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें अपनी पोजिशन को बनाने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर मैं आपको ऐसे भी पैटर्न दिखाऊं तो ये जब फॉल कर रहा था कंटिन्यू, तो यहाँ पे एक बार रुका है, ये सिर्फ ये रुका है और कुछ नहीं हुआ है। तो एक बार ये जो रुका है यहाँ पे, इसके बाद एक अप लिया है। तो चूंकि इसका इतना फॉल था, इसके लिए एक अप दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है, एक थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा रहा है। अगर मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसको दिखा भी दूँ, तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ से फॉल का क्या है, तो आप देखेंगे एक खाली यहाँ पे देखिए 25% का अप भी नहीं गया है, जो कि 452 455 पे होता है। तो ये एक थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट, जैसे कि जिसको कहते हैं जस्ट रिट्रेसमेंट का प्रेशर जो है वो ऊपर की ओर ले रहा है। ये वापस नीचे की ओर जाने के लिए तैयार है। और जो पहला लेवल है, किसी भी तरह से ये तोड़ता है, अगर आपने पुराने लेवल को तोड़ता है, अगर ये जो ये लेवल बनाया था इसने 380 379 के लेवल को तोड़ता है, ये जो बनाया था 390 का लो बनाया था, तोड़ता है और तोड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। और 350 का टारगेट आपको एक बार दिखाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, भले वो वन डे के लिए दिखाए लेकिन दिखाएगा। उस पैटर्न के बाद जो रिकवरी आएगा, और जब ये क्रॉस कर देगा आपकी इस लाइन को, 434 को क्रॉस करेगा, फिर आप यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं। शायद एक बार, जब अभी नहीं, जब एक बार डाउन लेके फिर अब जाएगा और 434 क्रॉस करेगा, तो आपको जब 340 एक बार इसके 390 के लो ये पैटर्न जाके दिखाएगा, तो इसको 390 के नीचे जाना है। और 390 के नीचे अगर जाएगा तो यहाँ पे 340 350 तक दिखाएगा, और फिर अगर उसके बाद 434 क्रॉस करता है तो वहाँ पे आपको अपना पूरा दम लगा देना चाहिए, पूरा पैसा लगा देना चाहिए। उसके बाद ये आपको अच्छा खासा वापस ये यहाँ से 600 तक का भाव आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी इसमें जो सेंटीमेंट निगेटिव है, ये जस्ट एक बाउंस बैक है और कुछ भी नहीं है सन फार्मा में। तो अगर आप सन फार्मा में पोजीशन कोई भी बना के बैठे हैं,
तो मेरे अंदाज से आप ट्रैप मत हो जाइएगा, फंस मत जाइएगा। सिर्फ मैं आपको पहले भी वार्निंग दिया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक बाउंस बैक और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। तो सन फार्मा में कॉशियसली वर्क कीजिए, अगर आपको सन फार्मा में काम ही करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको कॉशियसली काम कीजिए आप इसको, ताकि अगर थोड़ा भी गया तो अच्छा खासा आपका वेल्थ चला जाएगा। मैं अगर इसका ट्रेंड लाइन एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो ट्रेंड लाइन इसमें चूंकि कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो इसमें कोई खास ट्रेंड लाइन भी आपको काम करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। तो भी अगर मैं अगर एक बार इस लेवल पे ट्रेंड लाइन आपको दिखाऊं, तो यहां से अगर ड्रॉ करूं, मैं इस लेवल पे ड्रॉ करूं, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहां पे मैं दिखाऊं, तो समझिए अगर ये कहीं पे भी है, 7 तारीख 8 तारीख निकली है, तो अगर इस लेवल को कहीं पे भी क्रॉस करता है, ये नीचे 400 के लेवल को कहीं पे भी क्रॉस करता है, तो आपको हट जाना चाहिए। 400 तो छोड़िए, मेरे को लगता है कि अगर आपको वापस ये लेवल इसको भी क्रॉस करता है, इस कैंडल को भी क्रॉस, चलिए एक बार आपको 31 तारीख का दिखा देते हैं क्या होगा। 31 तारीख के लिए सॉरी वर्टिकल लाइन ले लेते हैं एक बार इस पे, और वर्टिकल लाइन तो यहाँ पे 31 तारीख का जो है ये लाइन है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखिए कि ये लेवल तोड़ता है, 412 तोड़ता है एक बार, मीन्स इस लेवल को अगर तोड़ता है किसी कारण से, अगर आप यहाँ पे इसको इस कैंडल को टच करने की कोशिश करता है, 410 का जो लो था, तो आप 410 के स्टॉप लॉस से अब अगर आपको बनना है तो बने रह सकते हैं। 410 के स्टॉप लॉस से आप अगर इससे पोजिशन बना के रखना चाहते हैं, मेरा सजेशन नहीं है बनाने का, फिर भी अगर बनाना है तो 410 का स्टॉप लॉस लगा लें, फिर ये नीचे की ओर दिखाएगा आपको। और 200 नहीं, 500 नहीं, 1000%, 1000%, ये आपको 350 एक बार दिखाएगा, नहीं 390 को तोड़ेगा, जो इसने पहले एक लो को बनाया हुआ 390 के, इसके लो को तोड़ेगा, और 375 पहला टारगेट होगा इसका, और उसके बाद 355, और 355 तोड़ता है तो वापस आपको अच्छा खासा, किसी कारण ये 349 तोड़ता है तो आपको 325 तक का भी दिखाएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं, 340 तक जा सकता है ये, 340 का लो एक बार ये बना सकता है, और ये 5000% की गारंटी है कि ये लो बनाएगा। तो अगर किसी को अगर इंट्राडे करना है पढ़ते रहिए, लेकिन इसमें कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन अभी सजेस्टेड नहीं है, फिर भी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, और कोई इसका कॉल वगैरह भी लिए होंगे तो फंस नहीं जाइए आप, ट्रैप नहीं हो जाइए, ये किसी कारण से भी मुझे नहीं लग रहा है कि 433 435 क्रॉस करेगा अभी, इसको 434-435 मुझे दिख नहीं रहा है कि ये यहाँ पे ये जो लेवल है, एक मिनट जस्ट मिनट, 434 और ये बनाया 428, तो ये कैंडल, इस कैंडल को भी देखेंगे तो 445, 445 को ये अभी कोई क्रॉस करने वाला नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 445 ये क्रॉस करेगा, तो 445 अब के नीचे अगर रेंज आप देखें तो 400 से 445 के रेंज में कुछ दिन आपको दिखा सकता है, ये रेंज बाउंड जो आप देख रहे हैं, ये रेंज में हो सकता है आपको घूमते हुए कुछ दिन तक दिखा सकता है, तो 400 से 400 445 के रेंज में आपको दिखा सकता है ये। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था, कोई भी पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, और इसमें 200-500% गारंटी है कि नीचे जाएगा, और आपको 375-355 दिखा के रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।